और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसी भी काम में लापरवाही ना बरतने का निर्देश दिया गया है, तो वहीं कई जनपदों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बावजूद विकासखंड 54 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरहरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय पादी डाट में छत मरम्मत के काम में डिसमेंटल सरिया का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि सरिया विद्यालय के डिसमेंटल छत से निकाली गई थी, जो पूर्ण रूप से गलत है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस लापरवाही की वजह से अगर कोई घटना घटित होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मामले की सूचना गांव के तारकेश्वर गुप्ता ने ग्रामीणों के साथ बीते 31 मई को दी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर फिर से 8 जून को ग्रामीणों के द्वारा खंड विकास अधिकारी 54 को जानकारी दी गई, लेकिन मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं सावित्री देवी ने इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी सोनभद्र, जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रार्थना पत्र मेल कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी इस संबंध में सावित्री देवी ने जब अमरेंद्र प्रियदर्शी सचिव को फोन कर काम की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मौके पर काम बंद है, कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके बाद मामले में सावित्री देवी ने सुनील कुमार खंड विकास अधिकारी 54 को फोन करके इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा काम को बंद कराने को लेकर 3 दिन पहले सचिव को निर्देशित किया गया था, लेकिन आपके द्वारा काम होने की सूचना मिली है। मेरे द्वारा तत्काल सूचना के बाद विद्यालय का निरीक्षण कर काम को रुकवा दिया गया है। वहीं नियमानुसार मानक के अनुरूप सरिया के उपयोग के उपरांत ही छत डालने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की जानकारी पुनः जिलाधिकारी को मेल कर दी गई है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होना अब उच्च अधिकारियों के हाथ में है। विराट 24 न्यूज के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। हाँ बोलिए, कितना सरिया इसमें डाल रहे हैं? बोलिए मिस्त्री जी, कितना सरिया बोर्ड डाल रहे हैं इसमें? 5 कुंटल। ये जितनी स्कूल की सारी पुरानी सरिया हैं, यही स्कूल की पुरानी सरिया जो हथौड़े बन बन करके घन टूट गए हैं, इनकी अंग अंग टूट गई हैं, इनको पुनः सीधा करके जो है इसी फिर छत में जो है डाला जा रहा है। और इस ग्राम पंचायत खरहरा टोला पादीडांग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छत निर्माण का कार्य हो रहे हैं, जिसमें यह पुरानी सरिया का ही चयन किया गया है। पूरी पुरानी सरिया ही लगी हुई है। ये छत साल दो साल में फिर पहले की भांति गिर जाएगा, जिससे बच्चों का और भविष्य और जो है सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ। इसलिए हम इसको अधिकारी BDO साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था, उनके द्वारा जो है आदेश हुआ कि कार्य को बाधित करें, जाँच हुए बिना कार्य नहीं होगा, लेकिन किसी ये कार्य बाधित नहीं हुआ बल्कि चालू